नमस्कार, आप देख रहे हैं एस आर एस सुखनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारी यूट्यूब चैनल एस आर एस सुखनगर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इसके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। अशोकनगर से संबंधित कई तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। मंगलवार को अशोकनगर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान गहोरा गांव के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे अपने स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर मौन धरने पर बैठ गए। इस स्कूल में कहने को तो 4 शिक्षक हैं, मगर बीते 1.5 माह से एक भी शिक्षक स्कूल नहीं जा रहा। पहले बच्चों और उनके अभिभावकों ने संबंधित अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। जब कोई हल नहीं हुआ तो यह बच्चे खुद अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मौन धारण कर बैठ गए। आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा बच्चों के पास पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के भीतर उनके स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात यह कही कि अगर यह व्यवस्था नहीं सुधर पाई तो उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। अपने शिक्षकों को स्कूल बुलाने की मांग करने आए इन बच्चों ने कलेक्ट्रेट से निकल रही कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा की गाड़ी को भी रोका और उन्हें अपना आवेदन दिया। कलेक्टर ने बच्चों की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे आज अपनी फरियाद लेकर आए थे। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हमने न केवल उन शिक्षकों को जो दोषी हैं उनके साथ साथ उनके निरीक्षण करने वाले BRC और BO के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे जब भी हम स्कूल जाते हैं वहाँ पर खुदा लगा मिलता है और हम वापस जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे स्कूल में साथ सर आए और हमें पढ़ाएं। मतलब कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सास के माध्यम विद्यालय लगा हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल लोधी। कौन सी क्लास में हो? 7th। हम इसलिए आए क्योंकि हमारे हम जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर ताला लगा रहता है और हम वापस लौट जाते हैं। तो मतलब यहाँ किस लिए आए हो आप ये बताओ? यहाँ पे हमें यहाँ पे एक टीचर आए यहाँ पे और हमको सास टीचर चाहिए और हमें पढ़ाई। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। स्कूल का क्या नाम है? सास की माध्यम विद्यालय। फिलहाल अभी कितने टीचर आते हैं आपके? अभी तो एक ही नहीं आता, कोई नहीं। स्कूल बंद रहता है कि सरपंच साहब अपना चलिए हम धरने पर बैठेंगे वहाँ पे, जब तक हमारे लिए स्टाफ नहीं हो जाएगा जब तक हम वहाँ से नहीं आएंगे। मतलब आप स्टाफ की मांग करने के लिए बच्चों के साथ आए? वहाँ स्कूल बंद रहता था, मैडम भी नहीं आती थी, एक मैडम आती थी नई सराय से, वो भी बंद हो गई आजकल। आपने मतलब इससे पहले प्रयास किया जब? हाँ, मैंने फोटो भी डाले थे मैडम से, मैडम कोई बोला था और इसके पहले अपन ने मीडिया में भी आया था स्कूल का, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, अभी DO साहब का फोन आया था, मैं आज राजचला हाई स्कूल का चेक करने गया था, तो अभी मैं लौट के आया हूँ चेक करके आया, तो उन्होंने कहा था कि गहोरम के बच्चे आए हैं और स्कूल बंद है। तो मैंने BRC को फ़ोन लगाया तो BRC वहाँ जाके चेक कराए हैं BAC से, तो उन्होंने BDO बनवाए हैं, वहाँ विद्यालय लग रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं और वो रिपोर्ट लेके DO ऑफिस में आ रहे हैं। बच्चे तो बता रहे हैं, गांव वाले बता रहे हैं। हाँ, अब ये सारे के सारे टीचर? नहीं, सभी के सभी नहीं है, जो टीचर अभी जो BRC ने बताया जो एबसेंट चल रहे थे बिना अवकाश स्वीकृत किए उनका वेतन काटने का कार्रवाई के लिए जो है। क्या सभी छुट्टी पे? मतलब नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता सभी छुट्टी पे हैं, वो तो उनसे रिपोर्टिंग लेने पर। नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि नहीं बिल्कुल निरीक्षण नहीं ऐसा नहीं है। टोटल वो 4 हैं वहाँ पर, चारों आ रहे हैं, 4 में एक तो निर्वाचन में है और 3 टीचर उनमें जो छुट्टी में उनका और जो नहीं आ रहे हैं उनका वेतन काटने की कार्रवाई 1 महीने की पूरी की जा रही है। देवल हाँ, तो उनके 1 महीना पूरा राज साथ किया जा रहा है ना, तो आपने 1 महीने का वो नहीं आया उसके बाद कोई कार्रवाई? तो दूसरे शिक्षक व्यवस्था कर रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है? नहीं, अब हो रही वहाँ पर नहीं, मैं ये नहीं मानता, संबंधित शिक्षक तो आप लोग देखने नहीं गए 1 महीने? नहीं, BRC जा रहे हैं, मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ बाकायदा। बच्चों ने जो है ज्ञापन दिया है, तो ये मामला क्या था और कार्रवाई क्या की है आपने? जो शिक्षक हैं वहाँ आ नहीं रहे हैं प्रॉपर और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो गांव वाले भी आए हैं और बच्चे भी आए हैं, तो मैंने उन्हें आश्वासन दे दिया है कि आपकी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और जो शिक्षक नहीं जा रहे हैं उन पर कार्रवाई आज ही मैं जो है कर रहा हूँ और अब अच्छी व्यवस्था करने के मैंने आश्वासन दिया। निरीक्षण अधिकारी हैं जो दोषी हैं? हाँ, तो जो निरीक्षण अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई कर रहा हूँ, BO BRC उनका भी प्रपोजल जो है मैं प्रस्ताव कलेक्टर मैडम को रख रहा हूँ
और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहा हूँ। तो अब इन बच्चों के लिए कोई नए टीचर भेजे जाएंगे क्या, उनमें से किसी नहीं, उनमें से नहीं कोई नई व्यवस्था जो है की जाएगी अभी फिलहाल, और जैसे भी हो सकती है उनकी अच्छी व्यवस्था का मैं आश्वासन दे दिया है मैंने। मैडम अभी बच्चों ने ज्ञापन दिया, क्या मामला था उसमें क्या करा? मुझे बच्चों ने बताया है कि ग्राम खावरा है कोई, वहाँ पे स्कूल शिक्षक नहीं पहुँच रहे। मैंने डीओ को निर्देश दे दिया है कि तत्काल उनको आवश्यक उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कल से कि स्कूल भी खुलेगा और बच्चे भी टीचर्स भी वहाँ पहुँचेंगे और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बिल्कुल गलत था। अशोकनगर की दो ग्राम पंचायतों में हुए उपचुनाव के नतीजे जारी हो गए हैं। अशोकनगर विकासखंड की धुर्रा में 1477 वोट डाले गए थे, जिनमें से रेखा बबलू यादव को एक तरफा जीत हासिल होती हुई है, उनको 931 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी सरोज यादव को 517 वोट मिले। रेखा बबलू यादव ने 414 वोटों से जीत दर्ज की है। यहाँ पर 29 लोगों ने नोटा में भी वोट किए हैं। इसी तरह ईसागढ़ ब्लॉक की हिनौतिया में एक कांटे का टक्कर देखने को मिला। यहाँ पर इंद्र कुमारी ने 387 वोट लेकर अपने प्रतिद्वंदी मोहन सिंह यादव को 5 वोटों से हराया। मोहन सिंह को 382 वोट मिले, जबकि 783 टोटल वोट डाले गए थे, जिनमें से 14 वोट नोटा को मिले हैं। धुर्रा पंचायत का चुनाव अशोकनगर जिले में सबसे ज़्यादा चर्चित था। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण इस चुनाव को बहुत चर्चित माना जा रहा था। साथ ही प्रशासन ने भी यहां पर चुनावी नवाचार किया था, जिसमें पहली बार किसी ग्राम पंचायत में क्यूलेस सिस्टम से चुनाव कराया गया था। लोगों को कुर्सियां डालकर क्यू के साथ मुक्ति दिलाकर टोकन के सहारे वोट डलाए गए थे। इस कारण यहां पर भारी मात्रा में वोटिंग हुई थी। 1477 मतदाताओं ने यहां अपने वोट का उपयोग किया था, जिनमें से ज़्यादातर बबलू यादव की पत्नी रेखा को मिली। उल्लेखनीय है कि बबलू की माँ इससे पहले यहाँ पर सरपंच थी और उनकी मौत के बाद ही यह जगह खाली हुई थी। अशोकनगर जिले की सीमा से बिल्कुल लगी इस पंचायत के चुनाव को पूरे ज़िले में चर्चा का विषय माना जा रहा था, और इसी के बाद ये जो परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी बबलू यादव अपनी सीट बचाने में न केवल कामयाब रहे बल्कि और ज़्यादा मतों से उन्होंने यह सीट दोबारा जीती है। सोमवार को अशोकनगर युवक कांग्रेस द्वारा प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को खत्म करने एवं रोजगार की मांग करते हुए चौधरी गार्डन पर युवक कांग्रेस द्वारा रोजगार मांग पत्र भरवाए गए और यह संकल्प लिया गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही युवाओं की इस ज्वलंत समस्या को प्राथमिक रूप से हल करवाएंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलवाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव यशवंत चौधरी द्वारा किया गया और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शहर अरविंद जैन, ग्रामीण जिला अध्यक्ष विशाल रघुवंशी, AICC प्रभारी रविंद्र जडेजा जी, चुनाव अभियान समिति के सदस्य धर्मेंद्र चौधरी जी, गजराम सिंह जी, जजपाल सिंह जी, नारायण प्रसाद शर्मा जी, हरिओम नायक जी, श्याम चौधरी, मनोज शर्मा, गोविंद संधु, महेंद्र भारद्वाज, शिवाजी भोंसले, दीपक पालीवाल, प्रदीप पाल सावन, सोनू सुमन, सतपाल रघुवंशी, प्रेम ताड़े, प्रतीक शर्मा, सचिन त्यागी, राजीव दुबे, आनंद शर्मा, मुन्ना शर्मा, लक्ष्मण बघेल, गोलू दुबे, मुकेश ओझा, विष्णु शर्मा, सुनील रघुवंशी, रविकांत शर्मा, निखिल शर्मा, दिलीप धाकड़, भानु साहू, संजू दांगी, रिंकू शर्मा, अजय ओझा, अन्ना कोरी, पिंकू जैन कल्ला, संदीप छलाई, सौरभ जैन, मनन छाबड़ा, जगराम सैन, दीपू नामदेव, चरण सिंह दांगी और प्रिंस सिंघई, तरुण भट्ट उपस्थित रहे। ये कांग्रेस जो आने वाले चुनाव में, तो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का ये संकल्प है कि ये मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस सरकार बनेगी तो हर शिक्षित बेरोजगार को या तो सरकार रोजगार देगी या उसको बेरोजगारी भत्ता देगी, और उसी के जो है संकल्प, जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है उसको जो है शिक्षित बेरोजगार उनसे भरवाया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं इसमें ये रोजगार संकल्प पत्र है जिसमें कांग्रेस की तरफ से ये संकल्प पत्र उनको वापस किया जा रहा है। यदि कांग्रेस सरकार बनी हर शिक्षित बेरोजगार को रोजगार, अन्यथा की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा। तो ये उसी के जो है शिक्षित जो बेरोजगार उनसे आवेदन फार्म भरवाए जाए।
कुछ महिलाओं ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें कहा है कि नरेंद्र भार्गव निवासी जागेश्वरी मोहल्ला एवं विनोद कुमार लोधी निवासी जाजनखेड़ी ने लगभग 70-80 महिलाओं से एकल विद्यालय में नौकरी के नाम पर सभी से 35,000 रुपये लिए हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने सभी से धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि हमको भारत सरकार द्वारा गांव-गांव में बच्चियों को पढ़ाने के लिए एकल विद्यालय नाम के स्कूल जिसमें 10वीं या 12वीं पास एक महिला की ज़रूरत है, जिसके लिए आप लोगों को हमें 35,000 रुपये देने होंगे, जिसमें कि हम 25,000 रुपये की DD जमा करेंगे एवं 10,000 रुपये हमारे पास जमा रहेंगे। आपकी DD जमा होने के 3 दिन बाद आपकी स्कूल सामग्री आपके पास आ जाएगी। आपको वेतन के रूप में हर महीने 3,000 दिया जाएगा और 11 महीने बाद 25,000 रुपये की DD आपको वापस मिल जाएगी, जिसके लिए सभी लोगों ने विश्वास में आकर 35,000 रुपये दे दिए। सभी महिलाएं 11 महीने से बच्चियों को अपने घर पर पढ़ा रही हैं, परंतु आज तक ना तो 1 रुपये की स्कूल सामग्री दी गई और ना ही 11 महीने बाद DD की राशि वापस दी गई। सभी महिलाएं कई बार वेतन एवं जमा राशि लेने के लिए महीनों से चक्कर लगा रही हैं। इसके साथ ही उनसे पैसों के बारे में पूछने पर भी महिलाओं से बदतमीजी से बात करते हैं। रुपये मांगने पर नरेंद्र भार्गव एवं विनोद लोधी द्वारा डराया धमकाया भी जाता है। बोलते हैं कि हम कांग्रेस के नेता हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही हम आप लोगों के पैसे देंगे। तुम लोगों को जो दिखाए सो कर सकते हो, जहां जाना है जा सकते हो, इसलिए हम सभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर इन महिलाओं ने कलेक्टर को इन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। हम अपने कार्रवाई के लिए आए कि हमारी सुनवाई की जाए। नरेंद्र भार्गव ने हमसे 35,000 रुपये जमा किए और 25,000 की DD बनवा दी और एकल विद्यालय के नाम से स्कूल खुलवाए और एक ही महीने की तनख्वाह नहीं दी उनने। एक साल हो गया। हाँ की है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं की गई। सर आप यहाँ आए हो? हाँ, इसलिए हमारी सुनवाई की जाए। यहाँ मतलब अगर सुनवाई नहीं होगी क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं। हमारी जब तक सुनवाई नहीं होगी हम यहीं पर रुकेंगे। इसलिए आए कि हमारी जो हमारे साथ जो उनने ठगी की है उनको सजा मिले और जो हमारे पैसे लगे हैं और जो हमने काम किया है वो हमारी मेहनत का पैसा पूरा वापस मिले। किसने की है? नरेंद्र भार्गव। कितने पैसे लिए गए? 35,000 रुपए लिए। क्या कहा गया था पैसे लिए? उन्होंने ये कहा था कि 35,000 रुपए आपके 25,000 की DD भरी जाएगी, 11 महीने बाद वो आपकी वापसी हो जाएगी, 10,000 रुपए आपके इसलिए लिए जाएंगे कि आपकी कॉपी पेन ये फर्श वगैरह टाट पट्टी ब्लैक बोर्ड और कुर्सी टेबल जी सामान आएगा। पर उनने एक चौक भी नहीं दी, चौक 2 रुपए की चौक आती है वो तक नहीं दी, पूरे पैसे खा गए, हड़प कर रहे। आपने इसके बारे में उनसे कुछ कहा? हमने उनसे कहा जब से ही उनसे संपर्क हो रहा है कि फोन उठाते नहीं है और हम खुद स्कूल पे जाते हैं तो ढंग से बात नहीं करते हैं, गलत सलत बोलते हैं। हाँ सर से भी कहा कितनी बार और कोई शिकायत नहीं है। थाने में गए चंदेरी थाना तो वहाँ पे भी कोई शिकायत नहीं हुई और इसके बाद वो SDM मैडम थी तो वहाँ पर भी गए, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन का क्या महीने भर हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। 70-80 महिलाएं हैं, सभी के साथ ठगी की गई है। बीते कुछ दिन पहले अशोकनगर जिले में थोकबंद तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के तबादले हुए थे। 7 से ज़्यादा तहसीलदार और नायब तहसीलदार अशोकनगर जिले से दूसरे अलग अलग स्थानों पर गए थे। आज इन सभी का सामूहिक बधाई समारोह एक स्थानीय होटल में आयोजित किया गया। कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा के मुखातित्व में हुए इस कार्यक्रम में ADM के अलावा अशोकनगर एवं चंदेरी के SDM तथा यहाँ से जा रहे अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ राजस्व विभाग के तमाम सारे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर यहाँ काम करने वाले अधिकारियों को जिनमें नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं उनको विदा किया गया, स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। साथ ही उन्होंने सभी ने इस दौरान अपने कार्यकाल को याद किया तथा यहाँ लोगों के स्नेह व प्रेम को भी लोगों के साथ बांटा।